The Environment Minister, Shri Bhupen Yadav who's walking on the red carpet towards the stage. Thank you, Shri Adavji, and welcome to the Rising India Summit. Prateek, the stage is all yours. Thank you. Sir. Thank you so much. Kya gajab role राजनीति से जुड़े कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे और यहां पूरी शर्त यह है कि राजनीति से जुड़े ही सवाल पूछे जाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कूनो नेशनल पार्क से आ रही है और चार बच्चे सयाना ने दे दिए हैं तो पहले तो आपका ट्वीट देखा मैंने और आपने कहा कि काल में ये जो वन और पर्यावरण और उसके संरक्षण का जो ये समाचार आया है वो बहुत ही अद्भुत है और चार बच्चे हुए हैं तो बहुत बहुत पहले तो बताई सर आपको इस बात के लिए लेकिन एक बात एक खबर और आई कि साशा जो थी वो उसको बचा नहीं पाए जो चार नामबिया से पहले आए थे चीता उसमें साशा को नहीं बचा पाए तो सब ठीक रहेगा वह जो थी वो साशा की जो किडनी फेलियर की प्रॉब्लम थी वो और कहीं नहीं ऐसा नहीं है इसको इंश्योर कर रहे हैं ये जो प्रोजेक्ट चीता है जी ये अपने आप में दुनिया में पहली बार वाइल्ड एनिमल को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ट्रांसलोकेट किया गया है हम सबको पता है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन दुनिया में इसकी बहुत डिमांड है और इस पूरी तरक्की के दौर में अगर इकोलॉजिकल रॉंग होता है तो उसको इकोलॉजिकल हार्मनी के द्वारा कैसे स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट चीता को जो एक लंबे समय से सत्तर साल पहले हमारे देश से चीता एक्सटिंक्ट हुए थे उसको वापस से एस्टेब्लिश करने के लिए इस प्रोजेक्ट को किया है ये किसी को भी धरती पे अधिकार नहीं है कि किसी भी प्रजाति को पूरी तरीके से अपने आप विलुप्त होने दिया जाए तो इकोलॉजिकल हारमोनी के लिए किया था और इसलिए सबसे पहले लगता था कि अगर हम चीतों को वाइल्ड चीतों को मतलब जू वगैरह में तो चीते लोग लेकर हाँ, के आते तो हैं। लेकिन वाइल्ड चीते हाँ। में मतलब उनका नेचर के साथ वहां पर एडजस्टमेंट होना चाहिए और ये अच्छा अच्छी बात है कि सत्तर साल पहले जो प्रजाति एक्सटिंक्ट हुई थी वापस से उनकी जनरेशन अब वाइल्ड में वापस से आई है तो जो इसमें साइंटिस्ट लग रहे थे हमारे फॉरेस्ट डिवीजन के ऑफिसर लग रहे थे और मैं कूनों में जब जाता भी हूँ तो तीन चार हमारी साइंटिस्ट यंग दिल्ली से जिन्होंने बॉटनी में एम किया जूलॉजी में किया वो उन्होंने अपना एक तरीके से कूनों को घर बना लिया सुबह शाम ये लोग मॉनिटरिंग करना जाना चेक करना उन्होंने बहुत मेहनत करी और इसलिए हमारे साइंटिस्ट हमारे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी और विशेष रूप से इस प्रोग्राम को करने के लिए जो सपोर्ट और विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया वो सब बधाई के पात्र है सच है ये 1952 के बाद चीता हो गया नहीं दिखा लेकिन एक सवाल ये था कि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक स्टोरी बड़ी बड़ी पॉपुलर हुई और वो सारस को लेकर थी तो एक तरफ तो आप इतने गंभीर हैं और दूसरी तरफ वो जो सारस है वो इसलिए और वो आरिफ आरिफ थे आ, किसान है अमेठी के उत्तर प्रदेश के उनके यहां कोई उन्होंने कोई घायल सारस देखा उसका इलाज कर दिया सारस में और आरिफ में दोस्ती हो गई उसके बाद वाइल्ड लाइफ वाले आए और आरिफ को उन्होंने बुक कर दिया आ, कहा कि ये तो वाइल्ड लाइफ का जो ये कानून इसका उल्लंघन किया अब सारस जू में चला गया तो लोगों ने कहा कि आरिफ और सारस को मिलाने के लिए क्या भूपेंद्र जी उतने ही सीरियस हैं नहीं कुल मिला करके जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनकी अगर हम केयर भी करते हैं तो सूचना देनी चाहिए जी क्योंकि देखिए हम कॉन्शियस होकर के कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई बुरा नहीं बुराई है। नहीं है। लेकिन अगर सूचना अगर आप देते हैं क्योंकि धरती पे जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको बचाना ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है अब आगे क्या होता है तो आप और मिलके तय कर लेंगे <laughs> तो मतलब उसमें ये कोई बात नहीं थी कि वो, आ, वो कोई समाजवादी पार्टी का उसमें वो अखिलेश जी चले गए तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं थी वो का, कानून के दृष्टि से आपने उसको किया कानून की दृष्टि से जो वहां के लोकल कानून में जो भी विषय आया है जी वहां पर किया है बिल्कुल हाथी को लेकर एक सवाल और था और उन्होंने कहा कि क्या जिस तरह से हाथी को लेकर अभी भी इकतालीस हाथी उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं कि 2018 से 2022 के बीच में 41 हाथी मारे गए 25 को जहर दिया गया हाँ यह भी बात सच है कि दो लोग भी मारे गए हाथियों के द्वारा तो इसको लेकर क्या जो से प्रोजेक्ट एलिफेंट है उस पर बहुत सारे लोगों ने बात की हाथी दांत को लेकर ले भी क्या गंभीरता है आपकी क्योंकि लोगों ने कहा कि हाथी दांत के जो तस्करी है और उसके व्यापार पे लेकर भारत का स्टैंड जो मजबूती के साथ रहेगा तो फिर इस पर हम प्रोजेक्ट पे और हाथी पे प्रोजेक्ट को लेकर बहुत कंसर्न और सीरियसनेस नजर आएगी देखिए जो हमारे वाइल्ड लाइफ की में इस समय जो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ क्राइम है जी वो पोचिंग एक बड़ी समस्या है राइट और कुछ मिथ के कारण कुछ लग्जरी के कारण कुछ बाकी चीज़ों के कारण ये जानवरों के आ, का जो अवैध शिकार है जी। ये बहुत ज्यादा चलता है हम इस पर सख्ती से आ, पालन करते हैं जहां तक प्रोजेक्ट एलिफेंट का सवाल है इस साल हमारे प्रोजेक्ट एलिफेंट को तीस साल पूरे होने जा रहे हैं और इस साल हम लोगों ने 33 एलिफेंट रिजर्व भी डिक्लेयर किए हैं थर्टी थ्री पूरे हो गए हैं right. और अभी छह और सात तारीख को माननीय राष्ट्रपति जी आसाम के काजीरंगा में जाने वाली हैं और आपने अभी ये जो ऑस्कर से जो सम्मानित मूवी है विस्पर्श हाँ। देखी है ये हाँ। हाथी के साथ एक किस प्रकार का आत्मिक लगाव भी मनुष्य का है हम उसका रेस्क्यू सेंटर भी हमारे तमिलनाडु में मधुमलई में जो सेंटर है वहां पे चलता है लेकिन जानवरों की अपनी एक प्रवृत्ति चलने की होती है और हाथी अपने कॉरिडोर्स में चलते हैं रास्ता बनाते हैं जी अब उस रास्ते के पास जो गांव हैं जो जगह हैं कई बार उस जगह उनका एक रौद्र रूप भी देखने को मिलता है तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए हम कई तरह की गाइडलाइन इशू करते हैं इसी साल हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर के भी फिफ्टी ईयर पूरे हो रहे हैं राइट हम उसका भी एस्टिमेशन करते हैं और नौ तारीख को स्वयं प्रधानमंत्री जी फिफ्टी ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो हमारा कर्नाटक में बांदीपुर है जी। तो बांदीपुर मधुमलाई वायनाड ये हमारा एक सबसे बड़ा टाइगर स्पेस, स्पेस रेंज है, है।, है। उधर वो जाने वाले हैं हम पूरे तरीके से अपने प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट लॉयन प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लेकर के और अब चीता को लेकर के काम कर रहे हैं बाकी एंडेंजर्ड स्पीशीज को लेकर भी काम कर रहे हैं देश में 53 टाइगर रिजर्व भी हुए हैं और ये पूरा हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाते हैं मतलब अभी हम लोगों ने एटलस भी निकाली थी कि हमारे 53 थ्री टाइगर रिजर्व से साउथ में जितनी भी हमारी नदियां हैं वाटर बॉडीज हैं वो भी वहीं से ही निकलती हैं तो नेचर के साथ जब हम बैलेंस बना के निकलते हैं तो पानी बायोडाइवर्सिटी और बहुत सारी चीजें हमको स्वतः प्राप्त होती है जी सर, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुझे भी बैलेंस बनाना चाहिए राहुल गांधी जी अगर आपको क्योंकि आप बहुत जाने वाले वकील हैं आपको वकील रखना चाहें तो आप उनको सेवाएं देंगे अगर वो सलाह लेना चाहें क्योंकि ये भी कहा गया ना कि अगर वो पूछ लेते या फॉलो कर लेते तो शायद ये परेशानी ना आती मंत्री बनने के बाद बार, बार काउंसिल को छोड़ना पड़ता है जी तो तो मैंने छोड़ा मेरा, मेरा सलाह तो दे सकते हैं उनके पास बहुत ज्यादा लोग हैं तो फिर कैसे हो गया यही तो मैं जानना चाह रहा तो था ये तो उनके सलाहकारों से पूछो मुझसे क्यों पूछ रहे हूं? नहीं भाई एक वक, एक प्रोफेशनल वकील के कैसे उनके पास जो, से? जो कानूनी कार्यवाही है वो कानून के अनुसार हुई है अब कैसे हुआ है क्या हुआ है तो वो करने वाले बताएंगे उन्होंने कहा कि बदले के भावना से नहीं तो कोर्ट का निर्णय है चार साल की प्रोसीडिंग के बाद निर्णय हुआ है उन्होंने कोर्ट में अपनी एविडेंस रखी है उनके वकीलों ने कोर्ट में अपनी आर्ग्यूमेंट रखी है और न्यायालय का निर्णय तो कोर्ट का निर्णय है न्यायालय के निर्णय में आप और मैं क्या कर सकते हैं क्या आप कोर्ट के निर्णय को प्रभावित करते हैं ये तो वो वो पूछ नहीं आप करते हैं प्रभावित कर ही नहीं सकता नहीं कर सकते है. है। यही सभ्य समाज में होता है सिविलाइज सोसाइटी में यही तो 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 है तो सबको कोर्ट का निर्णय मानना चाहिए फिर कोर्ट की आलोचना क्यों कर रहे हैं आप इन्हीं का दोहरा स्टैंडर्ड देखिए जब कोर्ट का निर्णय है आप चार साल तक कोर्ट में गए हैं आप कोर्ट में जाकर के अपने जो भी आपके विटनेस होंगे साक्ष्य होंगे जो होंगे आपने दिए हैं आपके वकील ने आर्ग्यूमेंट करिए कोर्ट ने निर्णय दिया निर्णय का तरीका होता है अपील करनी चाहिए तमाम ये बातें हो रही हैं कि ये दो हफ्ते तो गुजर गए पार्लियामेंट के चला ही नहीं कोई कैसे क्योंकि ये तो उनसे पूछना चाहिए वो पार्लियामेंट को क्यों नहीं चलने दे रहे वो तो वो कहते हैं कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी किसकी फ्लोर ऑफ द हाउस को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है सरकार की है वो ये कहते हैं सभी की है हम सब संसद में चुन करके आते हैं हम जनता को वादा करके आते हैं कि हम संसद में सरकार से प्रश्न पूछेंगे हम वादा करके आते हैं कि प्रतिपक्ष सरकार से प्रश्न पूछेगा और सरकार जवाब देगी सरकार तो जवाब देने को तैयार है ये क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखवा के आए थे कि संसद में काले कपड़े पहन के आएंगे पूछो इनसे ये क्या लिख कर करके ये इसलिए आए थे कि कोई न्यायालय निर्णय दे देगा दे तो हम काले कपड़े पहनना शुरू कर देंगे देश ऐसे चलेगा और जब सरकार किसी भी प्रश्नों का जवाब देने को तैयार है तो ये हंगामा क्यों मचाते हैं वो कहते जेपीसी बना दीजिए ना अब तो राहुल जी हाउस के मेंबर भी नहीं है सदस्य भी नहीं है तो जेपीसी बना ले तो अब अब कहीं कोई रास्ता दिखता है संसद के रूल्स में लिखा है कि अगर कोई निर्णय सबजुडिस हो जाता है और सबजुडिस होने के बाद अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई है सरकार वहां पर भी जवाब दे रही है तो उस कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर लीजिए संसद की कार्यवाही में बाधा कहां पहुंचाई जाती है ये किसने कहा है? और आप देखिए राज्यसभा में भी पिछले साल जब हंगामा हुआ था जी तो ये सारे के सारे लोग राज्यसभा में जहां सेक्रेटरी जनरल वगैरह बैठते हैं उस टेबल के ऊपर चढ़ गए थे आप कोई पूछे विपक्ष के सांसदों से कि टेबल पे काम करने आते हैं उसके ऊपर चढ़ने आते हैं बताइए आप तो समझ बस नौ करोड़ रुपए रोज का नौ से दस करोड़ रुपए का खर्चा है रोज का इसलिए आप उनसे पूछिए कि वो क्यों ऐसा करते हैं आपको उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए कोई बीच का रास्ता मैकेनिज्म नहीं लग रहा जो अगर मैं तो चलिए वो तो ठीक है हमने सर्वोच्च सदन की हम बात कर रहे हैं वहां पे लेकिन सवाल ये है कि जहां पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने थे जीवन से जुड़े हुए सरोकारों से जुड़े हुए प्रश्न थे वो नहीं पूछे जा रहे हैं तो थी? परेशानी तो दोनों तरफ दिखनी चाहिए बेचैनी दोनों तरफ दिखनी चाहिए हाँ तो हम तो कह ही रहे हैं कि संसद चलनी चाहिए सदन के जो अध्यक्ष हैं राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में टाइम अलोकेट होता है टाइम अलोकेट होने के बाद उनको अवसर दिया जाता है अब हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल है इतना इंपॉर्टेंट बिल है उसको सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई है वो संसद को नहीं चलने दे रहे वो विषयों को जनता के सामने नहीं आने दे रहे तो ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी है आप ऐसा थोड़ी है कि ये ये कहाँ पर देश में लिखा है कि हम संसद में आने के बाद हंगामा करेंगे कहीं नहीं लिखा है हाँ तो जो नहीं लिखा है फिर तो गलत ही कर रहे हैं फिर तो उनकी गलती है अच्छा तो अब भी सवाल उठा कि वो माफी अब कहा मांगे है? क्यों आपने कहा ना कि पहले राहुल गांधी माफी मांगे तो अब वो माफी कहां मांगे ये सवाल आ गया ना अब तो। देश की जनता से ले अपमान तो देश का जाके क्या है लंदन में जाके तो देश की संसद के ऊपर प्रश्न उठाए आप एक बात बताइए आप इस चैनल में आते हैं जी और यही कहें कि ये चैनल ही चैनल की मूल व्यवस्था पे प्रश्न उठाए और मैं तो कहता हूं चैनल्स भी छोड़िए हम इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं हम इस देश के लिए वोट डालते हैं हम मानते हैं कि संसद सबसे सर्वोच्च है अगर संसद से शिकायत है तो सांसद लोकसभा अध्यक्ष को कह सकते हैं क्या विदेश की धरती पर जाकर भारत की संसद में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है ये कहना उचित है क्या किसी भी देश के राष्ट्रीय नेता से उम्मीद की जा सकती है हम वहां पर भारत के प्रतिनिधि बनकर के जाते हैं और संसद में हमेशा विषय रखने का अधिकार है और जो इस समय राष्ट्रपति अभिभाषण पे बावन मिनट तक बोले तो उनको किसने रोका ऑन रिकॉर्ड है तो बोले ना बावन मिनट फिर आलोचना क्यों तो दो तरह के स्टैंडर्ड क्यों है क्या आप अपनी सुविधा के लिए कुछ भी बोलेंगे क्या अपनी सुविधा के लिए देश का अपमान करेंगे और अपनी सुविधा के लिए न्यायालय के निर्णय को न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो आपकी सुविधा से देश नहीं चल सकता देश कानून व्यवस्था संविधान से चलता है ये तो बात सच है लेकिन अब अगले हफ्ते उम्मीद बनती है कुछ लोग जानना चाहते हैं कि अगले हफ्ते बनती है उम्मीद हम की। तो अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष को संसद में कार्यवाही में सहयोग देना चाहिए प्रश्न पूछने चाहिए सरकार से और अपने विषयों को रखना चाहिए अपने क्षेत्र के विषयों को रखना चाहिए विपक्ष को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो मच और चंद्रा अवार्ड्स के लिए आप yes, नाम बताएं थैंक यू प्रतीक भूपेन्द्र यादव जी